आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। लोक अदालत 14 मई को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली बैठक। लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु वाहन को दिखाई हरी झंडी। श्री दिलीप नागले द्वारा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव श्री नरेंद्र पटेल के साथ उपस्थित होकर सनावद अधिवक्ता गण के साथ बैठक की, जिसमें 14 मई 2022 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में वस्तु स्थिति पर चर्चा की गई। उक्त बैठक में न्यायाधीश सुशील गहलोत एवं सुश्री पूर्वी तिवारी द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई सूचनाओं से अवगत कराया। सभी अधिवक्ता गण द्वारा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए पक्षकारों को तैयार करने के लिए सहमति व्यक्त की। वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री ज्योति यवतिकर द्वारा सनावत व्यवहार न्यायालय वर्ग एक रिक्त हो जाने पर प्रधान न्यायाधीश से ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुई विसंगतियों के निराकरण के मार्गदर्शन चाहा और स्थायी अपर जिला न्यायालय की मांग की, जिसे प्रधान न्यायाधीश द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया। विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र पटेल द्वारा विभिन्न श्रेणी के राजीनामे योग्य प्रकरणों में राजीनामे की संभावनाएं तलाशते हुए उन्हें निराकृत करवाने की अपेक्षा की, जबकि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों की मानसिक परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें राजीनामे से होने वाले लाभ के लिए अधिवक्ता गण द्वारा आसानी से समझाइश देकर तैयार करने से होने वाले विधिक लाभ पर चर्चा की। तत्समय ही लोक अदालत प्रचार वाहन को जिला प्रधान न्यायाधीश दिलीप नागले द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। जिला न्यायालय पर अधिवक्ताओं द्वारा नवीन अपराधों के निराकरण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्हें प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिसमें श्री जयेश यादव, नोमानी हिलाल, शादाब शेख, कृष्ण राव सोनोने को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। भविष्य में न्यायालय में होने वाले राजीनामे की कार्यवाही में उक्त अधिवक्ता गण का विशेष सहयोग रहेगा। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। टिकट मिला है, किस बेस के ऊपर मिला है, क्या कार्य किया था आपने? वकील लोगों की मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग नहीं गई थी, अपने मंडलेश्वर जिले में भी मुख्य नियुक्त चुना गया था। उसमें जो नए नए कानून बन रहे हैं, जैसे पास को एक इनकी सब बारीकियों के बारे में हमें बताया गया था, इसमें किस प्रकार से मतलब बयान। कितने दिन की ट्रेनिंग थी ये? 3 दिन की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के अंदर उन लोगों की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ये सर्टिफिकेट की क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं सर कि बस ये जो नए नए जो कानून बन रहे हैं, इसकी बारीकियाँ हम लोगों को पता हो गई और इसमें मतलब किस प्रकार से केस को हैंडल किया जाना चाहिए। इसके ऊपर डीजे साहब आए थे उनके साथ में और दूसरे भी न्यायाधीश लोग आए थे, उन्होंने आज झंडी बताकर एक अपने प्रचार वाहन को रवाना किया है। किस तरीके से लोक अदालत की यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है आपके लोगों के द्वारा? बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ प्रधान इस जिले के प्रधान न्यायाधीश जो है जिला प्रधान न्यायाधीश हमारे यहाँ पर बता रहे और जो यहाँ के जो न्यायाधीश गण हैं उनकी उपस्थिति में जो उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बड़े ही सुखद वातावरण में चर्चा की और कहा कि भाई लोक अदालत के माध्यम से जो है वो पक्षकारों के विवाद जो है उनके निराकरण किए जाए, जिससे उनके बीच में स्थायी समाधान निकले और उनके बीच में कोई जो वैमनस्यता है वो वैमनस्यता उनकी दूर हो, उनके मन आपस में मिले, उनके संबंध फिर से बने। इसके अलावा जो है हमने हमारे कोर्ट परिसर में जो अधिवक्ताओं का कम बार रूम की जो समस्या है उससे भी उनको अवगत कराया, उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने नई कोर्ट बिल्डिंग के बारे में भी पहल की और कहा कि नई कोर्ट बिल्डिंग की भी हम स्वागत आपको शीघ्र शीघ्र दिलाने जाएंगे, इसके लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं। इस प्रकार जो है बड़े ही सुखद वातावरण में बातचीत हुई हमारे जो अधिवक्तागण जिन्होंने अपनी इसके लिए न्याय क्षेत्र के लिए जो ट्रेनिंग प्राप्त की मंडलेश्वर से, उसके भी प्रमाण पत्र उन्होंने वितरित किए। शादाब शेख को है, जयेश यादव को है, कृष्णा को है, नुमान को है। इस प्रकार से जो है बड़ा ही अच्छा आयोजन रहा और इसके लिए वो बड़े ही साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह न्यायाधीश गण भी जो है इसके साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू। ठीक है। और पक्षकार ही अपनी मर्जी से उसमें समाधान के खोज करके फिर लोक अदालत में वो खंडपीठ उसमें मोहर लगाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसकी अपील नहीं होती और कोर्ट फीस वापस मिल जाती है और विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से चेक डिसऑनर के मामले, फैमिली मैटर्स में डाइवोर्स नहीं मिलेगा लेकिन वो राजी मर्जी से अलग हो सकते हैं या फिर जो है आपस में साथ में रह सकते हैं। ये ऐसे फैमिली मैटर्स में भी राजीनामा होगा और दूसरे जितने भू अर्जन के मामले हैं जिसमें कि पेमेंट बाकी है, शासन स्तर पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम से बात हुई है, उसमें कुछ पैसा वो फंड मंगवा करके सीधे पक्षकारों को अगर उनका पेमेंट हो जाता है तो सीधे इससे पक्षकारों को लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा प्रचार प्रसार के अभियान के तौर पर हम यहाँ सनावद आए हैं
और उम्मीद है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा होगा और लोगों के बीच में एक समाधान मिल करके समाप्त विवाद जो है सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और पक्षकारों को निश्चित सही न्याय तो यही न्याय है, क्योंकि अदालती फैसले तो अपील में चले जाते हैं, किसी को संतुष्टि नहीं मिलती, अंतिम समय तक लोग लड़ने की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए अगर आपसी सहमति से राजीनामा होता है तो इससे बेटर समाधान कोई नहीं है। धन्यवाद।